हाय, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट से बुक का 13 चैप्टर जिसका नाम है एरे। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि एरे क्या होते हैं, एरे का यूज हम क्यों करते हैं, एरे को डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं, एरे के अंदर डेटा इंसर्ट किस तरीके से करवाते हैं, एरे के एक एक एलिमेंट को किस तरीके से हम एक्सेस करते हैं और किस तरीके से एरे के अंदर स्टोर करी गई वैल्यू को हम यूज करते हैं, एरे की कैरेक्टरिस्टिक क्या है और एरे की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब हमने डिस्कशन पिछले में ये नहीं करा था कि एरे के अंदर मेमोरी लोकेशन किस तरीके से हैंडल होती है, किस तरीके से उसको ऑक्यूपाई करा जाता है, किस तरीके से कंटिन्यूअस अलोकेट होती है, कि एरे की वैल्यूज को किस तरीके से फंक्शंस के अंदर पास करा जाता है, एरे की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम इस टॉपिक के इस वाले लेक्चर के अंदर देंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी जरूर करें ताकि सभी लोगों तक ये चीज पहुंच सके कि लेटेस्ट सीखा। हम एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हम चैप्टर 12 तक हर एक प्रॉब्लम को सोल्व कर चुके हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब बात करते हैं एरे की लिमिटेशंस की, कि एरे की लिमिटेशंस क्या क्या हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एरे डिक्लेयर है इंटीजर टाइप का नंबर 6, इसके अंदर क्या है 2, 4, 12, 5, 45 और 5, ये 6 एलिमेंट इसके अंदर हमने स्टोर कर दिए। इनिशियलाइजेशन की डिक्लेरेशन के टाइम पे इसको इनिशियलाइज कर दिया। लेकिन अब एरे के अंदर हमारे पास में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है सी लैंग्वेज के अंदर कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि एरे की टोटल साइज कितनी थी, उससे ज्यादा हमें जाना चाहिए कि कितना नहीं जाना चाहिए। ये सबसे इसका ड्रॉबैक होता है। देयर इज नो चेक टू सी इफ द सबस्क्रिप्ट यूज्ड फॉर एन एरे एक्सीड द साइज ऑफ द एरे, कि जो हम एरे के जो एलिमेंट हम डिफाइन करेंगे वो बिल्कुल सही है कि नहीं है वो हमें पता नहीं लगता है। अगर हम एरे की साइज जो डिफाइंड है उस लिमिट से आगे एक्सटेंड करते हैं तो गार्बेज वैल्यूज को हमें आउटपुट में देने लग जाता है, या जो हमारा जो प्रोग्राम का नेचुरल बिहेवियर है उसके अगेंस्ट में हमको रिजल्ट देने लग जाता है कुछ भी। डेटा एंटर्ड विद ए सबस्क्रिप्ट एक्सीडिंग द एरे साइज विल सिंपली बी प्लेस्ड इन मेमोरी आउटसाइड द एरे। भाई एरे का जो हमने मेमोरी डिफाइन कर रखी है, कि लोकेशन डिफाइन कर रखी है, साइज डिफाइन कर रखी है, उसके बाहर जो भी होता है उस मेमोरी लोकेशन को हम एड्रेस एरे के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसके अंदर स्टोर होता हुआ चला जाता है। देयर विल बी नो एरर मैसेज टू वार्न यू दैट यू आर गोइंग बियॉन्ड द एरे साइज। जब अगर हम एरे की साइज से बाहर भी निकल जाते हैं तो हमारे पास में कंपाइलर कोई एरर मैसेज नहीं देता है। तो इनकी वजह से हमारे पास में अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट आते हैं कि प्रोग्राम के अंदर हमने आउटपुट तो चाहा तो कुछ था तो कुछ और आने लगता है। तो एरे की साइज का हमें खुद ही ध्यान रखना पड़ता है प्रोग्रामर को कि एरे की साइज से ज्यादा आउट ऑफ एलिमेंट को एक्सेस हम ना करें। अब सेकंड आता है कि एरे की एडवांटेज क्या है, कि एरे को हम यूज करने के लिए बेसिक क्या होता है। सबसे पहले होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन, लेस कोड टू एक्सेस द डेटा। मान लीजिए कि आपको 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो उसके लिए आपको 100 नाम लिखने पड़ेंगे। उसकी जगह पे अगर आप एक नॉर्मल सा एरे डिक्लेयर कर देते हैं उसका 100 आइटम तो क्या उसके 1000 आइटम को भी आप इजी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो कोड बिल्कुल नहीं लिखना पड़ा, अदरवाइज तो 100 वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कितना कोड हमें लिखना पड़ जाता है। उसके बाद आता है इजी ऑफ ट्रेवर्सिंग, एरे को एक्सेस करना लूप्स के थ्रू बहुत इजी होता है। बाय यूजिंग द फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, वी कैन रिट्रीव द एलिमेंट ऑफ एन एरे इजीली। जिस तरीके से एक वेरिएबल को एक्सेस करा जाता है उसी तरीके से एरे के डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स को हम बहुत इजी तरीके से लूप्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, जबकि लूप्स के थ्रू जो नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर होंगे उनको एक्सेस करने में हमको अच्छी खासी दिक्कत आएगी। ईज ऑफ शॉर्टिंग, अब हमारे पास में जब सारा डेटा एक ही एरे के अंदर स्टोर्ड है तो उसको बहुत इजी तरीके से हम शॉर्ट कर सकते हैं। टू शॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ द एरे वी नीड ए फ्यू लाइंस ऑफ कोड ओनली, मतलब लूप्स का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो शॉर्टिंग एल्गोरिथम आती है उनका यूज करके हम उसको बहुत इजी तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसकी जगह पे अगर हमारे पास में अलग अलग वेरिएबल डिफाइंड है तो उसको शॉर्ट करना बहुत ही टिपिकल टास्क हो जाता है। रैंडम एक्सेस, वी कैन एक्सेस एनी एलिमेंट रैंडमली यूजिंग द एरे, रैंडमली यूज इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए नंबर यहाँ पे 6 दिया हुआ है, अगर हमको नंबर 2 एक्सेस करना है NUM2 तो क्या जाएगा 012, उसकी वैल्यू आ जाएगी 12। तो किसी भी वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को, क्योंकि वो इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस होता है। बात है कि एरे बिहेवियर लाइक नॉर्मल वेरिएबल, हमने पिछले वीडियो के अंदर हर बार ये बोला है कि जो एरे का एक एक एलिमेंट है वो बिल्कुल नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही रिएक्ट करता है। लेकिन कैसे करता है, एरे एलिमेंट कैन बी पास्ड टू ए फंक्शन बाय कॉलिंग द फंक्शन बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस जस्ट लाइक नॉर्मल वेरिएबल। बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस का मतलब है कि क्या हमें फंक्शन के अंदर उस पर्टिकुलर वेरिएबल का
एड्रेस पास करना है या उसकी वैल्यू पास करना है। तो जिस तरीके से नॉर्मल वेरिएबल का हम एड्रेस पास करते हैं, उसी तरीके से हम एरे का भी एड्रेस पास कर सकते हैं, एरे एलिमेंट का एड्रेस पास कर सकते हैं। नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यूज की तरह एरे एलिमेंट की वैल्यूज को भी हम पास कर सकते हैं। एरे एलिमेंट एड्रेस कैन बी यूज जस्ट लाइक नॉर्मल वेरिएबल। एक एक वेरिएबल का अलग अलग, एरे के अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, तो 10 एलिमेंट्स का अलग अलग मेमोरी लोकेशन होगी, मेमोरी एड्रेस होगा, जैसे कि वेरिएबल का होता है। लेकिन इसके अंदर फायदा ये होता है कि वो कंटिन्यूस होती है, तो अगर आपको बेस एलिमेंट का एड्रेस पता है तो किसी नंबर का उसके एड्रेस निकाल सकते हैं। ऑल ऑपरेशन लाइक अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, कंडीशनल कैन बी यूज ऑन एरे एलिमेंट जस्ट लाइक ऑन नॉर्मल वेरिएबल। नॉर्मल वेरिएबल के ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वो सभी ऑपरेशन डिफरेंट एरे एलिमेंट्स के बीच में या एरे एलिमेंट और नॉर्मल वेरिएबल के बीच में जब भी हम एक्सेस करना चाहें उसको इसी तरीके से कर सकते हैं। तो एरे के जो एलिमेंट होते हैं एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह रिएक्ट करते हैं। अब बात आती है मेमोरी लोकेशन, हम बार बार बोल रहे हैं कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन अलोकेशन होता है तो किस तरीके से होता है। जैसे देखिए हमारे पास में एग्जांपल दिया हुआ है कि एरे का ये एलिमेंट हो गया 24 34 12, ये इंटीजर टाइप है तो इंटीजर टाइप 4 बाइट को स्टोर करके रखेगा। तो ये हो गया हमारा बेस एड्रेस कि 0 इंडेक्स के ऊपर क्या आ रहा है 65512। अब इस एड्रेस मेमोरी लोकेशन के अंदर आप प्लस 4 करते हुए जाएंगे तो किसी ने भी नंबर का मेमोरी एड्रेस आपको मिल जाएगा, ये 16 20 24 28 32। ये कंटिन्यूअस होता है, ये रेंडमली जनरेट नहीं होती है, इसीलिए एरे का मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है अगर हमें किसी भी nth एलिमेंट का एड्रेस पता लग जाता है। तो ए पॉइंटर व्हेन इंक्रीमेंटेड ऑलवेज पॉइंट एंड इमीडिएटली नेक्स्ट लोकेशन ऑफ इट्स टाइप। अगर हम इसके अंदर पॉइंटर्स का यूज करते हैं कैरेक्टर के अंदर, तो ये एरे के अंदर, तो एरे के अगर फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है उसको जैसे इंक्रीमेंट हम प्लस 1 करेंगे तो सेकंड जो आइटम आ रहा है उसकी मेमोरी लोकेशन को वो हमें आइडेंटिफाई करवा देगा। उसी तरीके से जब भी हम प्लस प्लस करते हैं तो नॉर्मल तरीके से तो उसकी वैल्यू एक इंक्रीज हो जाती है, लेकिन इसके अंदर मेमोरी लोकेशन के अंदर हम काम करते हैं एरे के अंदर। पासिंग एन एंटायर एरे टू फंक्शन, बात आते हैं कि एक एरे को फंक्शन के अंदर किस तरीके से पास करें। जैसे कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं अगर एरे के बेस इंडेक्स का अगर हमारे पास मेमोरी एड्रेस है तो बाकी पूरा का पूरा हम एरे को एक्सेस कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो यही इसके अंदर एग्जांपल भी है कि वो डिस्प्ले एक एरे है, मतलब एक फंक्शन है जिसके अंदर पॉइंटर इंटीजर पास हो रहा है और यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू पास हो रही है, तो हमें एक वेरिएबल एक एरे डिक्लेयर करना हम साइज का जिसके अंदर ये सब कुछ वैल्यूज है जो हमारे यहाँ पे दी हुई है। अब डिस्प्ले के अंदर जब हमने पास कर दिया नम जीरो, जीरो मतलब कि जो फर्स्ट एलिमेंट था उसका मेमोरी एड्रेस हम यहाँ पे पास कर रहे हैं और कितने आइटम से ये बता रहे हैं। अब हमारे पास फर्स्ट मेमोरी एड्रेस आ गया तो उसके अंदर प्लस 4 करते हुए जाएंगे तो हमें सभी मेमोरी एड्रेस का लोकेशन पता लग जाएगी और उसके सारी वैल्यूज को भी हम फेच कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा हुआ है जब पॉइंटर एड्रेस पास कर रहे हैं तो पॉइंटर आ गया यहाँ पे इंट आई, आई जीरो से लेके एन माइनस वन तक जाएगा, क्यों? क्योंकि इंडेक्स एन माइनस वन तक जाता है क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है और आई प्लस प्लस हो गया। तो इसको जैसे जे प्लस प्लस करेंगे, जे प्लस प्लस करते ही जो मेमोरी लोकेशन था ये 65512 वो बढ़ के कितना हो जाएगा 65514। तो इस तरीके से एक बेस एड्रेस को या बेस एलिमेंट को अगर हम एरे के अंदर पास कर देते हैं, उसके एड्रेस अगर हम पास कर दे तो पूरे के पूरे एरे के एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं या पास कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन के अंदर हम यूज कर सकते हैं। तो अभी तक हम एरे को भी जितने भी कर चुके उसके समरी क्या कहती है कि एरे इज सिमिलर टू एन ऑर्डिनरी वेरिएबल एक्सेप्ट दैट इट कैन स्टोर मल्टीपल एलिमेंट ऑफ सिमिलर टाइप। एक नॉर्मल वेरिएबल और एरे का जो वेरिएबल होता है, एरे जो होता है उसके अंदर डिफरेंस क्या होता है, केवल इतना था कि एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करा जा सकता है लेकिन नॉर्मल वेरिएबल के अंदर केवल सिंगल वैल्यू को स्टोर करा जा सकता है। कंपाइलर डज नॉट परफॉर्म डबल बाउंड परफॉर्म बाउंड चेकिंग ऑफ एन एरे। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर एरे के साथ में ये लिमिटेशन है कि उसके साइज को कंपाइलर चेक नहीं करता है, नहीं कोई एरर देता है। द एरे वेरिएबल एक्ट एज ए पॉइंटर टू द जीरोथ एलिमेंट ऑफ द एरे। जो एरे का जो वेरिएबल होता है वो एक्ट किस तरीके से करता है कि उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको एक्सेस करना है। ऑन इंक्रीमेंटिंग ए पॉइंटर इट पॉइंट टू द नेक्स्ट लोकेशन ऑफ इट्स टाइप। अगर एरे पॉइंटर के ऊपर आप काम करते हैं तो बेस इंडेक्स के ऊपर उसको इंक्रीज जैसे करेंगे तो वो उसके नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर देता है। एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन एंड सो दे कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग पॉइंटर्स। तो अभी तक हम यूज कर चुके हैं कि एरे को किस तरीके से फंक्शन के अंदर पास करते हैं, एरे किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, किस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन का मतलब किस तरीके से रीड करना है, किस तरीके से इंसर्ट करना है, किस तरीके से उसको वापस डिस्प्ले के अंदर यूज करना है, ये सब कुछ हम इसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आने वाले नेक्स्ट
वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एरे को पॉइंटर्स के साथ में किस तरीके से यूज करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, थैंक यू।